हेलो चिल्ड्रन, मैं हूँ अमित सर, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी उसकी, दो या दो से अधिक वर्णों, वर्ण यानी अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अक्षर का कौन से होते हैं, आ से लेकर क्या तक, ये अक्षर। तो जब दो अक्षर, जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर या मात्रा और दूसरे वाले शब्द की पहला अक्षर या उसकी मात्रा, जब ये दो मिलते हैं तो किसी नई मात्रा या किसी नए अक्षर का जन्म होता है, उसे कहते हैं विकार या परिवर्तन। तो जब दो शब्दों को हम जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो उनके पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का प्रथम, यहां पर इनके मिलने से कुछ परिवर्तन होते हैं मात्राओं में या अक्षरों में, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम संधि कहेंगे। ओके, संधि के प्रकार है तीन। तीन प्रकार की मुख्य संधि होती है, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन और तीसरी है विसर्ग। फिर स्वर संधि के छह भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि, इन दो, ये जो है ये अलग अलग भिन्न प्रकृति वाले वर्ण नियमों पर आधारित संधियां हैं, इनके लिए अलग प्रकार के नियम है। जब हम एक एक संधि को अलग अलग तरीके से विस्तार से जब पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि संधियों के नियम क्या है, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों शब्दों के आपको मतलब बताते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर कितने होते हैं, आ से लेकर अहा तक, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एड़ी, एनक, ओखली, औरत, ठीक है, ये स्वर कहलाते हैं। तो स्वर संधि इन पर आधारित है, स्वरों पर। व्यंजन का से लेकर क्या तक, व्यंजन कबूतर, खरगोश, गमला, घड़ा, ये सारे के सारे व्यंजन है। का से लेकर या तक जितने भी अक्षर है वो व्यंजन है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग दो बिंदु होते हैं जो शब्द के अंत में हा हा हलवाई जैसा थोड़ा उच्चारण, अर्थ उच्चारण उसका वहां पर उसमें आता है, वो कहलाता है विसर्ग, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्वर संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो स्वर संधि क्या होती है तो उसको हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। हमें देखा करो,